उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता ने पिछले चार दिनों से राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में जमकर बारिश करवाई है और यह सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार 6 अगस्त को भी बादलों की आवाजाही के बीच बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के आसपास के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में बारिश हो सकती है। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, ललितपुर, शाहजहांपुर, कुशीनगर, हरदोई, महाराजगंज, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर और संत कबीर नगर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली, प्रयागराज समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि झांसी के करीब एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिससे पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। इसके अलावा एक नया लो प्रेशर सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, जिससे अगले 24 घंटों में पूर्वी यूपी के जिलों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 10 अगस्त तक बारिश का यह सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा। बारिश के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। मानसून के ट्रफ लाइन बनने के बाद 7 अगस्त से फिर पूरे यूपी में बारिश होगी। बारिश के कारण वाराणसी, मिर्जापुर, बदायूं समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वाराणसी के निचले इलाकों में रहने वाले लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून की यह सक्रियता जहां एक तरफ किसानों के लिए राहत की खबर है, वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को भी बढ़ा रही है। सभी लोगों से अपील है कि वे प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुरक्षित रहें। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।